हेलो एवरीवन, मैं हूं सोमेर। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो पे। तो मैं एक नया सेशन शुरू करने वाला हूं, टॉक विद अ डॉक। तो यहां पे पहले हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एजुकेटर से जिससे मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुआ हूं। मैं पहले क्लास के बाद ही बहुत खुश हो गया था सर से मिलने के बाद। सो ही इज एन एक्सलेंट एजुकेटर, ए ग्रेट मेंटर, एंड वो हमेशा हेल्पफुल रहते हैं। आप स्टडी से रिलेटेड कोई इंक्वायरी पूछें या स्टडी से बाहर भी, वो हमेशा हेल्पफुल रहते हैं। तो चलिए हम स्वागत करते हैं सर का। हेलो सर, डॉक्टर नदीम सर, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। हाय डॉक्टर शुभम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन एंड आई एम ग्लैड टू बी हियर। थैंक यू सर। सो सर, हम ये जो सेशन है, ये जो पॉडकास्ट है, इसमें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि जो नेक्स्ट जो आने वाला है, जो नया एग्जाम आने वाला है, उसमें स्टूडेंट के लिए कैसे हेल्पफुल होगा। ये पॉडकास्ट उसी के बारे में होगा, यानी कि हम इसमें बात करने वाले हैं कि कैसे स्ट्रेटेजी रहना चाहिए स्टूडेंट का, कैसे वो प्रिपेयर करें, कब से शुरू करें, ये सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे सर। सर पहले हम बात करते हैं, अभी जो एग्जाम पास हुआ है FMG 2022, जो रिजल्ट मैंने एक वीडियो भी बनाया था, बहुत कम रिजल्ट है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो रिजल्ट हुआ था 4 जून को, जो एग्जाम हुआ था ना 4 जून, अगर इसका हम लोग पासिंग परसेंटेज देखें, दैट इज लाइक ओनली 10.6%, राइट है ना? तो यस, आई वुड लाइक टू एम्फसाइज ऑन 2 पॉइंट्स हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव सीन एफएमजी रिकॉल क्वेश्चंस, एंड द नेगेटिव पॉइंट व्हिच आई फाउंड दैट द लैंग्वेज ऑफ फ्रेमिंग द क्वेश्चंस वाज वेरी डिफिकल्ट। हाँ, लेकिन इसके साथ में मैं ये भी कहूंगा कि 60% उसमें ऐसे क्वेश्चंस थे कि जिसको आप सॉल्व करके पास हो सकते थे। This time I met so many medicals, I passed in the first attempt. So negative point ये था कि language framing जो था वो बहुत difficult था, मतलब more than the normal medical language. यहाँ पे एक तो time का बहुत ज़्यादा limitation होता है, तो इसमें अगर आपके बहुत lengthy हो, lengthy question है, that is fine. लेकिन इसके साथ में अगर difficult language हो, so that makes more complication there. तो ये एक point था. दूसरा point मैं यहाँ पे साथ में students के साथ में कहना चाहूँगा, so many medicals are there who are still in the zone of old pattern of MCI exam. They still think that all questions will be one-liner. This is the wrong strategy. So what is happening here? Because see here, I'm into this academic world for last more than four years. So I know that, like, see here, I personally meet so many students right now. So like, first of all, I would like to know them ki bhai, aapka strategy kya hai? Aapke paas toh sirf 6 months hai padhai karne ke liye. Aapka strategy kya hai? तो जो मैं जैसे एग्जाम से पहले 1-2 महीना होता है ना, तो उस टाइम बच्चों से पता चला, बताया कि सर हम लोग तो जो हमारे सीनियर्स ने ऐसे कहा था कि वन लाइनर क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करो, ये हो जाएगा, रटाफिकेशन पे ज्यादा याद करो, आपका हो जाएगा। सो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड दैट दे फोकस मोर ऑन द रैपिड रिविजन एंड द वन लाइनर्स, जो कि सरासर रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। ठीक है, ये जैसे अगर आपने एग्जाम देखोगे ऑगस्ट FMG 2020, राइट ना, वो टाइम से लेंथी क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो चुका है, राइट ना? ऑल क्वेश्चंस यूज्ड टू बी क्लिनिकली इंटीग्रेटेड, राइट नो? मीन सपोज अगर वो एनाटॉमी के क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वहां पे सर्जरी का कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, राइट? मैं अगर एक एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स हमारे जो होंगे मेडिकोस होंगे, राइट ना? तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पहले आता था कि रिस्ट ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप इज बिकॉज ऑफ विच ऑफ द नर्व इंजरी। आप पहले डायरेक्टली लिखते थे रेडियल नर्व। आज के टाइम पे क्वेश्चन आता है कि वन ऑर्थोपेडिशियन वाज ऑपरेटिंग ओवर द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, है ना, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस अराउंड द स्पाइरल ग्रोव, फाइन? सो नाउ दे आर आस्किंग इन दिस मैनर कि वन ऑर्थोपेडिशियन वाज ऑपरेटिंग नियर द स्पाइरल ग्रोव ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस आफ्टर दिस सर्जरी, नाउ पेशेंट इज नॉट एबल टू एक्सटेंड हिज रिस्ट, विच नर्व माइट हैव इंजर्ड ड्यूरिंग दिस सर्जरी। सी, दिस इज रिलेटेड टू सर्जरी एज वेल एज एनाटॉमी। Yes, right? Yes, all of these students like who have learned anatomy in a normal language right now, see, like as we know that, like from the spiral groove, radial nerve will be passing, right? No, radial nerve will be passing. One more blood vessel, like the profunda brachii. Fine. So like whenever surgery will be near the spiral groove, at that time, yes, there is high risk that radial nerve could be injured. And after that, when patient is not able to extend his wrist, it means wrist drop to ho gaya. So basically, yes, same right. question hai, lekin ab aap dekho kiska framing kaisa hai question ka. Ye cheez students ko samajhna zaruri hai, right? To mujhe ye do points laga, ek to language was difficult, second ye hai ki students ne ye cheez pe zyada focus nahi kiya ki bhai mujhe jo hai jo bhi subjects main padhai karu usko main clinically integrate karke padhu. Aaj ke time pe agar ye thought process hai na ki 12 subject maine kar liya, 14 kar liya aur ye mere liye more than enough hoga, ye wrong strategy hai.
ओवरऑल 19 सब्जेक्ट्स एक बार आपको फिनिश करना होगा, बट यू हैव टू बी मास्टर एटलीस्ट इन 14 टू 15 सब्जेक्ट। अगर आप एनाटॉमी में अच्छे हो तो सर्जरी अच्छा करोगे, ईएनटी अच्छा करोगे, रेडियोलॉजी अच्छा करोगे, राइट? ओके सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि एफएमजी के प्रिपरेशन के बारे में बहुत सारे सीनियर्स हमें बताते हैं कि प्रिपरेशन अभी से मत स्टार्ट करो, लास्ट ईयर में देख लेना, जब ग्रेजुएशन होने के बाद देख लेना, अभी तो एंजॉय करो, 6 महीने में हो जाता है। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कि कब कब से शुरू करना सही रहेगा? आपको पता है यहाँ पे इंडिया में आने के बाद जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं होते हैं, ये वो लोग होते हैं कि जो कि आफ्टर एमबीबीएस से स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है? आफ्टर एमबीबीएस यानी कि ग्रेजुएशन होने के बाद आप 6 मंथ्स की यहाँ पे तैयारी करते हो, वो चीज वो बिल्कुल ही रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। आप जितने भी स्टूडेंट्स को देखेंगे यहाँ पे जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होते हैं ना, वो सभी लोग 1 या 2 साल पहले स्टार्ट कर चुके होते हैं, या तो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं या जो भी सोर्सेज उनके पास में, या तो उनके कॉलेज में ऑफलाइन क्लासेस होती हैं। तो आप जिनका भी देखें जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए हैं, वो पिछले 2 साल से तैयारी पे स्टार्ट हो चुके होते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये बेस्ट टाइम कब है, तो मैं कहूंगा द सूनर द बेटर। आप जब भी स्टार्ट कर लिए दैट विल बी बेस्ट, ठीक है? मतलब सबसे अच्छा तो ये कि फर्स्ट ईयर से ही आपकी जो है ना आपकी तैयारी बहुत अच्छे से स्टार्ट होनी चाहिए फर्स्ट ईयर से। सर आप हमें बता सकते हैं कि FMGs का पॉजिटिव पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट क्या है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है? सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट्स तो ये है कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार होते हैं, ठीक है? कि होता क्या है कि आपने सबसे पहले देखा कि भाई आपको सीट इंडिया में नहीं मिला, तो इसका मतलब यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट, ये उनके दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है? कि मैं तो इंडिया में सीट नहीं ला पाया। भाई 17 लाख बच्चों ने एग्जाम लिखा है, मैक्सिमम 1,22,000 सीट्स हैं इंडिया में, तो बाकी 15.5 लाख को तो सीट नहीं मिलेगा ना। हो सकता है आप बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, आपने नीट में 500 भी स्कोर किया हो, उसके बाद भी आपको इंडिया में सीट नहीं मिला। हो सकता है गवर्नमेंट सीट नहीं मिला जो कि सिर्फ 45,000 या 48,000 है, राइट ना? तो उसके बाद से अगर हम देखेंगे ऐसा, तो भाई सबको तो सीट नहीं मिल सकता है, लेकिन बच्चे के दिमाग में ये सोच आ जाता है कि नहीं, मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था इसलिए मुझे इंडिया में सीट नहीं मिला, सबसे पहला थे। दूसरा उनको ये लगता है कि जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट है वो मुझसे बहुत आगे हैं, मैं उनके सामने में कुछ भी नहीं हूं। तो ये सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट, जो कि मैं बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड हूँ जितने भी FMGs हैं उनसे, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि भाई ये जो आपका सोच है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं, ये है कि पूरे दुनिया में आप जहां से भी MBBS आप करोगे, है ना, जो वहां पे आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे ये नहीं आता है, मुझे वो नहीं आता है, मुझे क्लिनिकली कुछ नहीं आता है, आप इंडिया में भी देखें, इंडिया के भी मेडिकल कॉलेजेस में ये कि पहले MBBS के टाइम में आपको सिर्फ जो हॉस्पिटल में लेके जाया जाएगा, लेकिन सिर्फ ऑब्जर्वरशिप मिलेगा आपको। आप जो काम सीखते हैं ना, दैट यू आर गोइंग टू लर्न ड्यूरिंग इंटर्नशिप ओनली। रियल में जो पेशेंट्स को टच करते हैं और जो भी कुछ भी आपसे प्रोसीजर कराया जाता है, वो सिर्फ इंटर्नशिप में ही होता है। तो वो सेम चीज तो इंडिया में ही होता है, ठीक है? तो जो WHO रिकॉग्नाइज मेडिकल कॉलेजेस हैं, MCI रिकॉग्नाइज, जो अभी के टाइम पे NMC है, राइट, है ना? तो जो भी रिकॉग्नाइज मेडिकल कॉलेजेस आपने MBBS किया, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करके आइए, आप MCI पास करो। आप MCI पास करने के बाद आपका जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है इंडिया में, जो सैलरी है, जो पावर है, सब कुछ सेम है, है ना? तो ये चीज, ये मैं नेगेटिव पॉइंट मानता हूँ। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट, व्हाट आई फील अबाउट FMGs, जो उनका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सबसे पहले उनका एक तो इंटरनेशनल एक्सपोजर हो चुका है, वो बाहर में वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों से मिल चुके हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट जो विजनरी पीपल है उन लोगों से उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो मैं ये कहूंगा उनका पॉजिटिव पॉइंट ये कि वो ज्यादा विजनरी सो रहे हैं आज के टाइम पे, वो ज्यादा विजनरी है वो, ठीक है? अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो है वो ज्यादातर US फैमिली प्लैब की तरफ जाते हैं। उसके साथ में अगर आप एक जो डॉक्टर है साथ में एंटरप्रेन्योर है, आप उसमें देखो कि FMGs बहुत आगे आ रहे हैं, तो ये उनका पॉजिटिव पॉइंट है। थैंक यू सर, आप हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं, शायद सब ऐसे सोचे हैं हमारे बारे में। ओके नहीं, एक्चुअली जब मैं एक बार रशिया में विजिट किया था, मैंने एक बार रशिया विजिट किया और एक चीज मैंने देखा कि भाई जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं या जो भी मतलब मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं या जो भी MBBS स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनका जो एक्सपोजर देखा है कि भाई वो सेकेंड थर्ड ईयर में भी आपको हॉस्पिटल में जो इवन के रोबोटिक सर्जरी के अगर के मशीन भी आपको दिखा देना तो वो भी बहुत है। तो आपका एक जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है दैट इज रियली गुड, तो मैं तो इसको पॉजिटिव पॉइंट मानूंगा। यस सर, ग्रेट।
सो सर अभी हम बात करते हैं कि हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए। प्रिपरेशन तो हम बात कर लिए कब से शुरू करना है, अभी स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए, आपका क्या मानना है? और इसमें आपके सीनियर्स के क्या ओपिनियन होते हैं, वो कैसे आपको पहले समझाते हैं, आप मुझे ये बताइए। सर वो तो पहले बताते हैं कि अभी ऐसे ऐसे पढ़ते रहो, जैसा चल रहा है चलने दो, इंस्टीट्यूट का जितना चल रहा है वो क्लियर करते रहो, और जब फिफ्थ ईयर सिक्स ईयर में आओगे फाइनल ईयर में तब पढ़ाई शुरू करना, या तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो। और जो 2 महीने का गैप रहता है सर उसमें हमें प्रिपेयर करने के लिए बोलते हैं बस, क्योंकि हम 9 महीने वहां पे रहते हैं और 3 महीने का हमें यहाँ पे छुट्टी मिलता है, कभी कभी 2 महीने का, तो बोलते हैं कि ये 2 महीना प्रिपेयर कर लो, 2-3 सब्जेक्ट खत्म कर लो, फिर जब जाओगे यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद तब बाकी क्लियर कर लेना जितना भी बाकी रहेगा। तो लेकिन मैं एक देखा हूँ सर, बहुत सारे सीनियर से बात किया हूँ, ये स्ट्रेटेजी उतना काम देता नहीं है, क्योंकि जो 2 सब्जेक्ट हम किए भी रहते हैं वहां जाने के बाद केओस में सब कुछ भूल जाते हैं और उसको फिर से करना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत जो किए रहते हैं वो भी चला जाता है, तो इसलिए स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए। ओके देखिए, जो सबसे पहले आपने इंडिया में देखा जो रिजल्ट अपना वो 10% है या 15% या 20%, मोस्ट ऑफ द पीपल जब इंडिया करके जो पहली बार में फेल होते हैं ना, फर्स्ट टाइम में जो है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट जो फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका नहीं होता है, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने एमबीबीएस के टाइम में सीरियसली पढ़ाई नहीं किया, जिन्होंने सिर्फ अपना एग्जाम पास कर लिया बट लेकिन उन्होंने कभी भी जैसे एफएमजी को सीरियसली नहीं लिया है ना, तो ये वो लोग हैं जो कि आफ्टर एमबीबीएस पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है, बहुत सीरियस लेवल, जो बहुत ज्यादा सीरियस वाला पढ़ाई होता है ना वो आफ्टर एमबीबीएस उन्होंने शुरू किया। और आपने ये भी देखा होगा कि कितने सारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी पास होते हैं। आप जब ये देखोगे ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने वाले बच्चे हैं, ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2-3 साल पहले पढ़ाई शुरू कर लिया, जो भी उनके पास में रिसोर्सेज हो, या तो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, या तो उनके क्लासेस उनके यूनिवर्सिटीज में हो रहे हैं है ना, तो जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट वाले जितने भी होंगे ना, आप उनसे पूछोगे वो बोलेंगे नहीं मैंने 2-3 साल पहले पढ़ाई शुरू कर लिया था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कहूंगा ये बिल्कुल ही गलत स्ट्रैटेजी है, दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी इफ यू आर थिंकिंग दैट आफ्टर ग्रेजुएशन आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय एफएमजी प्रिपरेशन, दिस इज 100% रॉन्ग स्ट्रैटेजी। आई वुड से द सूनर द बेटर, आप जितना जल्दी शुरू कर लीजिए उतना अच्छा, मैं तो कहूंगा कि फर्स्ट ईयर से आप पढ़ाई शुरू कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे साथ में मैं एक और नेगेटिव पॉइंट बताना चाहूंगा जितने भी एफएमजीज हैं उनके बारे में, कि देखो होता क्या है कि आपको फर्स्ट ईयर से आपके दिमाग में ये रहता है ना मुझे एमसीआई पास करना है, मुझे एफएमजी पास करना है, एफएमजी एफएमजी एफएमजी, और होता है कि जब आपके दिमाग में इतना ज्यादा सबकॉन्शियसली ये चलेगा ना एफएमजी एफएमजी एफएमजी, तो आपको लगता है कि आपका जो लास्ट डेस्टिनेशन है ना, जो आपका जो द बिगेस्ट माइलस्टोन व्हिच यू वांट टू अचीव दैट इज ओनली एमसीआई लग जाता है, राइट ना। और मैं कहूंगा इज नेगेटिव बन जाता सबके लिए, आप सबको समझना चाहिए कि देखिए आप जो एमबीबीएस आप जहां से भी कर रहे हो आपका टारगेट सिर्फ एफएमजी एग्जाम पास करना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट क्या है कि आप एमबीबीएस करो आपको अच्छा डॉक्टर बनना है, आपको अच्छे डॉक्टर बनने के लिए सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे आपको, जो हमारा फील्ड ऐसा है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है आप पेशेंट्स को अच्छे से डायग्नोस नहीं कर पाओगे, आप अच्छे से इलाज नहीं कर पाओगे, तो सब्जेक्ट्स तो आपका बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए। अभी के टाइम पे बेस्ट स्ट्रेटजी आपका ये होना चाहिए कि भाई स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, अच्छे से पढ़िए आप, ठीक है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि भाई आपके फोर्थ ईयर तक आते आते तक ना 19 सब्जेक्ट्स आपका पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए एक बार एटलीस्ट। जब आपका फोर्थ ईयर में ये लेवल आ जाएगा ना कि यू ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड ऑल 19 सब्जेक्ट्स, आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट यूएसएमली, अबाउट प्लैब एंड यू नो लाइक स्पेशलाइजेशन कोर्सेज, ठीक है। तो कुल मिलाकर के फोर्थ ईयर में एक बार 19 सब्जेक्ट्स आपने कर लिया, आपका एग्जाम जो भी हो मिनिमम आपका टारगेट होना चाहिए कि 4 times देयर शुड बी रिविजन, 4 times आपने रिवाइज किया ना। फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ते हो तो आप समझते हो कि आपने पढ़ा क्या है, सेकेंड टाइम थोड़ा बहुत आपको याद होना शुरू होता है, जब आप तीसरी बार करते हो ना तो समझो कि यस आपको 70-80% याद हो गया, आफ्टर फोर्थ रिविजन आफ्टर दैट देयर विल बी सम काइंड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कि हम अब आपको आता है, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो आप पास कर सकते हो, राइट। तो ये चीज, तो साथ में मैं ये भी कहूंगा आप ये समझो कि एफएमजी एग्जाम जो है ये चीज आपका लास्ट टारगेट नहीं होना चाहिए, this is just the baseline, I would say this is just the baseline, you just have to pass it, most important thing should be specialization courses, aapko india se karna hai, usa se, uk se, jahan se bhi aapko karna, but aapka jo target hona chahiye ki bhai jo ek bar specialization field mein aa jaun, ki agar aapne pg join kar liya jo bhi aapka department ho
उसके बाद से यस नाउ यू आर अ वेल एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर। सर ये स्ट्रेटेजी तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे जैसे जो स्टूडेंट है जो कि ऑलरेडी फाइनल ईयर में आ चुके हैं, फिफ्थ ईयर सिक्स ईयर में आ चुके हैं, उन लोगों को एक डिप्रेशन भी बढ़ गया, क्योंकि हम पहले तो कंप्लीट ही नहीं किए 19 सब्जेक्ट और रिविजन तो छोड़ ही दीजिए, तो क्या हम अभी एक साल में कर सकते हैं? यस बिल्कुल कर सकते हो आप। देखो जैसे ना कि अभी के जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट, दोनों के थर्ड पास में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जो फर्स्ट ईयर का जो बच्चा है ओनली 17 और 18 ईयर ओल्ड, जो उसका दिमाग है पूरा जैसे कुछ मस्ती भी करना, चंचल स्वभाव, राइट ना, वो पढ़ाई भी करेगा लेकिन वो थोड़ा चंचल भी होगा, राइट ना। लेकिन जो फाइनल ईयर के बच्चे वो बहुत ज्यादा संजीदे, बहुत ज्यादा सीरियस बच्चे होंगे, आप लोग को अब बहुत प्रेशर होगा, राइट ना। तो अब जो बच्चों ने जो 3 साल में कंप्लीट किया है पिछले, वो आप लोग 1 साल में अचीव कर सकते, क्योंकि आपके पास जो सीरियसनेस लेवल है वो ज्यादा है। अब आपको टेंशन है, आपको प्रेशर है, हाँ, लेकिन ये टेंशन या प्रेशर की वजह से आप अपने आप को बर्बाद करो, दैट इज रॉन्ग, वो गलत है। देखिए ऐसा है कि जैसे आपका ग्रेजुएशन शायद के नेक्स्ट ईयर जून में होगा, राइट, है ना, तो मोस्टली आप नेक्स्ट ईयर दिसंबर में लिख सकते हो, तो आपके पास कुल मिलाकर के 1.5 साल है ना। 1 साल में आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए कि भाई आपके यूनिवर्सिटी ये अगले 1 साल में 14-15 सब्जेक्ट्स इंडियन फैकल्टी के साथ में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। और इसमें से ये 14-15 सब्जेक्ट्स मैं कहूंगा आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जैसे ऑप्स गाइनी है, सर्जरी है, मेडिसिन है, एंड पीएसएम, ऑप्थेल्मोलॉजी एंड पैथोलॉजी, ये सब तो जैसे भी आपके यूनिवर्सिटी में ही मिनिमम 2-2 बार फिनिश करो आप कैसे भी करके। देखो ये जैसे बोलना ईजी है, लेकिन वहां पे मैं आपको ये नहीं कर रहा कि ये डुएबल नहीं है, यस आप अचीव कर सकते हो, वो साथ में आपकी यूनिवर्सिटी क्लासेस भी है। एवरी डे मिनिमम 5-6 hours आपको अपने लिए निकालना पड़ेगा सेल्फ स्टडी के लिए, है ना। जैसे आप देखो यहाँ पे 6 months की जो तैयारी करते हैं, तो आप 6 days में जो एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाता है ना, 6 days में, जैसे 6 days में आपका पूरा एनाटॉमी कंप्लीट हो जाता है, राइट ना, 40-50 hours में। ये जो 6 days है यहाँ का, आपके कॉलेज को एक एक सब्जेक्ट का उसका टारगेट आप रख लिए 15 दिन या 20 दिन, आप उतने देर में अचीव तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, आपके पास रिसोर्सेज जो भी हो, लेकिन आपके पास सब्जेक्ट बिल्कुल मतलब मिनिमम वहां पे 14-15 सब्जेक्ट वहां पे कंप्लीट हो जाए। तो जब आप इंडिया में आओगे ना, जो 6 months होगा ना, वो जो 6 months है वो फ्रेशर के लिए नहीं कहूंगा मैं, वो 6 months मैं कहूंगा आप लोग जो पढ़ के आओ यहाँ पे, उसको एक बार अच्छे से फिर से इंडियन फैकल्टी के साथ सुनना है, समझना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, फिर रिविजन करना है, तो ये आप 1 साल में बिल्कुल अचीव कर सकते हो। अभी थोड़ा सा हम लोगों को भी आस आया, वी कैन डू दैट। सो ओके सर, अभी हम बात करते हैं कि एक मैं पोल डाला था इंस्टाग्राम पे कि क्या क्वेश्चन पूछना है, मैं एक डॉक्टर के साथ मिल रहा हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने एक फनी क्वेश्चन पूछा था जिसको मैं इंक्लूड कर दिया हूँ कि डॉक्टर बनना कैसा रहता है, हाउ इट इज टू बी ए डॉक्टर, मतलब डॉक्टर बन के फील कैसा होता है, फील कैसा होता है। यस सर, अच्छा देखो चलो मैं आपको मैं अपना पर्सनल लाइफ इसमें शेयर करूंगा, ठीक है। मेरा क्या था ना, मैं मेरी स्कूलिंग अलीगढ़ से हुई, AMU, ठीक है। तो स्कूल टाइम में क्या था भाई, देखिए वो टाइम में तो सभी यंग है, ठीक है, तो बचपन में क्या होता ना कि सब बोल रहे ये डॉक्टर बनेगा, राइट, ओके ठीक है, ये डॉक्टर बन के सबको इंजेक्शन देगा। अब वो होता है सबकॉन्शियसली किसी ने डाल दिया बचपन में, ओके। लेकिन अब मेरा एक ये भी था कि जैसे मेरे जो भैया हैं वो इंजीनियर हैं, वो शिकागो में, तो मतलब भैया का ये था कि मेरे फादर जो वो भैया को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन भैया का सीन ये था कि वो मतलब मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड थे, तो उनको बायोलॉजी से जरा भी अट्रैक्शन नहीं था, लेकिन मुझे बचपन से बायोलॉजी अच्छा लगता था, कुछ भी जैसे बॉडी के बारे में जानना, तो भैया ने भी मुझे बहुत ज्यादा पुश किया। मेरे फादर मैथमेटिशियन थे, वो MSc मैथमेटिक्स थे और साथ में हेडमास्टर भी थे सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, तो टीचिंग में और समझो कि एजुकेशन में हम लोग अच्छे थे काफी। तो ये था कि वो टाइम से भी 7th, 8th, 9th में भी एक मैगजीन आती थी साइंस रिपोर्टर, वो आज से 20 साल पहले, तो साइंस रिपोर्टर मैगजीन मंथली आती थी, वो मैं हमेशा खरीदता था, उससे जो भी रिसर्च होते थे वो सब कुछ मैं पढ़ता था। वो टाइम पे आपने सुना होगा जो कल्पना चावला वाला, राइट, वो आई थिंक 2001 या 2 की बात थी। वो टाइम पे भी मुझे ऐसा था नहीं हुआ कैसे होगा ये, आखिर वो आने वाली थी यहाँ पे, मतलब शी वॉज अबाउट टू लैंड हियर, 16 मिनट से पहुंचने वाली थी, बट सडनली क्रैश हो गया। उसके बाद फिर होता ना कि एक आपका कैसे, देखो एक बच्चे का दिमाग कैसा जा रहा, भाई साइंस में मैं जानना चाह रहा हूँ, हमारे लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें थी जो भी रिलेटेड टू साइंस और बायोलॉजी, मुझे बड़ा अट्रैक्शन था, होता गया, ठीक है। 10th में मैं भी टॉपर था, 11th में भी अच्छा हुआ। अब 11th में जब मैं ये था कि मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में काफी अच्छा था स्कूल टाइम से, स्पीच में, डिबेट में, सिंगिंग में, मोनो एक्टिंग, मिमिक्री और भी सारी, जैसे राइटिंग, सब कुछ में अच्छा था। तो मेरे सीनियर ने बोलना शुरू कर दिया,
यार तू बायोलॉजी लेके तू क्यों पढ़ रहा है, क्यों डॉक्टर बनना चाहता है? मैंने बोला कि नहीं सर, मुझे तो बनना है डॉक्टर। बोला यार तुम्हारे अंदर ये सब टैलेंट है, तुम यू शुड ज्वाइन मतलब जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, या फिर MBA कर लो, या फिर सिविल सर्विसेज की तरफ जाओ। तो मुझे 99% मेरे सीनियर्स कहते थे आई शुड नॉट बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, ओके। तो देखो बचपन से मेरा बायोलॉजी so, सफर कैसा रहा सर? तो बायोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन अब वो सीनियर्स का ऐसा बोलना शुरू हो गया ना कि अरे नहीं यार यू कुड डू बेटर इन मास कॉम, है ना, जर्नलिज्म में तुम एक्टिंग वैक्टिंग अच्छा करते हो तो ये सब कर लो, या फिर तुम मतलब बिजनेस की तरफ जाओ, MBA कर लो, या फिर सिविल से मतलब लीडरशिप क्वालिटी है थोड़ा सिविल IAS IPS बन जाओ कुछ, वहां पे शायद तुम्हारा अच्छा रहेगा। ठीक, ऐसा होता गया होता गया, चलो ठीक। लेकिन फाइनली मैंने मतलब मुझे MBBS में एडमिशन मिल गया, मैंने MBBS किया। उसके बाद भी लेकिन मेरे सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार मेरे सीनियर कहते थे मास कम्युनिकेशन, ठीक है। मैं अपने यूनिवर्सिटी में भी मतलब है ना मतलब कि आई वाज द चीफ एडिटर, मैं मतलब मैगजीन पब्लिश कर रहा हूँ, या फिर कभी जैसे है ना कभी फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज कर होस्ट कर रहा हूँ, जो भी ये सब चीजें जितने एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं। तो उस टाइम मेरे भैया ने दोबारा पूछा, मैंने यार तुम्हें डॉक्टर बना के गलती तो नहीं किया? मैं बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे किसी सब्जेक्ट में बैक नहीं है, वो मेरा पैशन है, मैं कर लेता हूँ। तो भैया ने मुझे सजेस्ट किया कि देखो यार एक है डॉक्टर संजय गुप्ता, डॉक्टर संजय गुप्ता USA में है, वो न्यूरो सर्जन है, और साथ में वो CNN के जर्नलिस्ट है, CNN के वो टॉप मोस्ट आते हैं, टॉप 5 में आते हैं वो। प्लस वो बिजनेसमैन है, प्लस वो बुक ऑथर भी है, प्लस एंटरप्रेन्योर है, मतलब उनके बारे में मतलब ये था बहुत कुछ। प्लस वो टाइम्स मैगजीन में वो टाइम पे आता है कि सेक्सीएस्ट मैन ऑन द अर्थ, मुझे ये सब चीज बड़ा अच्छा लगा। मैंने उनके बारे में सर्च किया गूगल पे, मैं देखा यार ये डॉक्टर संजय गुप्ता न्यूरो सर्जन भी है, CNN जर्नलिस्ट भी है, ये भी है, वो भी है। तो मुझे भैया ने कहा यार मैं जब इनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नदीम की थोड़ी बहुत जो क्वालिटी लगता है इनके जैसा, शायद 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 कुछ अच्छा करे। मुझे अट्रैक्ट कर गया, ठीक है चलो। हॉस्पिटल भी मैंने जब ज्वाइन कर लिया एज ए जूनियर रेसिडेंट, एक महीना काम कर लग रहा था हॉस्पिटल छोड़ करके मैं मास कम्युनिकेशन करूंगा पक्का। पर आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, जब मैंने थोड़ा क्लिनिकल सीख लिया, काम सीख लिया, व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग माय सीनियर्स कि यार वो कितने पैशन से, कितने हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितने मोहब्बत, कितने कंपैशन से पेशेंट्स की जान बचाते हैं, उसके बाद से मैं भी सीखे, मैं सीनियर्स को असिस्ट करते करते, फिर उसके बाद आफ्टर दैट व्हेन आई स्टार्टेड सेविंग द डाइंग पीपल इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, आफ्टर दैट आई स्टार्टेड फीलिंग यार मैं मतलब बॉलीवुड से बहुत इन्फैचुएटेड था, बहुत ज्यादा, यार रियल हीरो तो ये लोग, क्या बात क्या बात है ना। तो मुझे लगता था यार ये लोग क्या जबरदस्त हीरो हैं, लेकिन जब है ना कि व्हेन आई स्टार्टेड सेविंग द लाइव्स ऑफ यू नो सो मेनी डाइंग पीपल, उसके बाद मुझे लगा नहीं भाई रियल हीरोइज्म तो यहाँ पे है ना, कोई बंदा एक आखिरी सांस ले रहा है, वहां पे जाकर के फरिश्ते की तरह उसकी जान बचाते हो, उसके बाद जब वो पेशेंट डिस्चार्ज होकर के जा रहा फैमिली मेंबर्स है, फिर कितने लोग जैसे कुछ बुजुर्ग होता है कि ब्लेसिंग्स देते हैं, मुझे ऐसा लगा कि यार ये सब चीजें कितनों मिलियंस ऑफ मनी जो है ना वो मुझे ये हैप्पीनेस नहीं दे सकती। उसके बाद मुझे लगा नहीं रियल हीरोइज्म जो है वो यहाँ पे डॉक्टर बन के फीलिंग क्या होता है ना वो मुझे वो दिन समझ में आया, जिस दिन रियल में एक पेशेंट जो था बिल्कुल मरने वाला था और उसको वो पूरा है ना अच्छे से हेल्दी होकर डिस्चार्ज होकर जब मेरा पांव छू करके गया ना तो मुझे लगा नहीं यार आई एम इन द राइट फील्ड। उसके बाद से मैंने फिर कभी कोई दूसरा चीज नहीं सोचा, नेवर। तो ये मतलब फीलिंग लाइक अ डॉक्टर। ओके सर, अभी तो डॉक्टर से अभी एजुकेटर कैसे बने आप, जैसे टीचिंग लाइन पे कैसे आप आए? पहले तो आप बता चुके थे कि टीचिंग में आप वैसे अच्छे थे, लेकिन इसमें आए कैसे? See, up to 2018, I was 100% into hospital, ठीक है 2018 तक। मैं अपने जूनियर को, अपने बैचमेट्स को, दोस्तों को पढ़ा देता था ऐसे रूम में बैठ के, कभी प्रोफेशनली नहीं पढ़ाया था। अप टू 2018 हॉस्पिटल हॉस्पिटल मुझे ऐसा था कि भाई आई शुड बी इन हॉस्पिटल, दैट्स इट, मैं खुश हूँ, मेरे पेशेंट्स खुश हैं। पेशेंट का जब आपके ऊपर में आ जाए वो है ना जैसे यकीन आ जाए, भरोसा आ जाए, है ना, भरोसा आ जाए। आई वाज इन द BL कपूर हॉस्पिटल, वहां पे मैंने काम किया, वहां बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में जो ब्लड कैंसर पेशेंट होते हैं ना, तो वहां पे हमारे HOD थे। मैं उनसे इतना ज्यादा इंस्पायर हुआ ना, मुझे मैं लकी रहा हूँ कि मुझे जैसे इंडिया के जो फ्यू ऑफ द बेस्ट मेंटर्स या बेस्ट जो क्लिनिशियंस हैं, तो मुझे उनके साथ में काम करने का मौका मिला। ठीक है, मैं जब प्लास्टिक सर्जरी में था तो डॉक्टर VK तिवारी सर जो वो टाइम पे हमारे HOD थे, अभी के टाइम पे वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है रामनोलैया हॉस्पिटल के, ठीक है। तो जैसे उनका पहला अवार्ड मिला था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर से मिला था, अब वो मतलब इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लास्टिक सर्जन वन, ठीक है। जब मैं वहां थे, जब मैं उसमें था बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, वहां पे जो हमारे ये थे HOD डॉक्टर धर्मा चौधरी सर, उनकी फैन फॉलोइंग अजब थी, जबरदस्त। मतलब वो पेशेंट से दो लाइन बात करे पेशेंट को जो है ना एकदम, मतलब आप समझो कि जो कुछ उनके अंदर में एक जादू था, जैसे वो जादू ऐसा था ना कि आप ये समझो कि हमारा एक पेशेंट था, दैट पेशेंट वाज फ्रॉम अफगानिस्तान, जिसमें काबुल का पेशेंट था,
ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा पेशेंट का, बट ये था ब्लड कैंसर उनका था, और ये था कि उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो चुका था उनका। तो आफ्टर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन देयर इज वेरी हाई रिस्क ऑफ रिजेक्शन, तो उनका भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गए थे। और ये था कि दैट टाइम डॉक्टर धर्मा सर वॉज लाइक ही वॉज इन यूएसए, देखो उनके अलावा और भी सीनियर डॉक्टर्स थे वहां पे, तो सब लोग सुबह से मॉर्निंग से पूरा ट्रीटमेंट चला है, तो मैं सबसे जूनियर डॉक्टर था वहां पे उस टाइम पे, तो सब लोग ट्रीटमेंट दे रहे, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बिल्कुल एकदम सही था सब कुछ। अब वो बंदा मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये बंदा जो रात में शायद एक्सपायर हो जाएगा, या मेरी ड्यूटी पे एक्सपायर हो जाएगा शायद, ठीक है। के बाद से जब मैं उससे मिलने के लिए गया, मैं उसको बोला कि भाई जो उसका टेम्परेचर था 104 से नीचे आ ही नहीं रहा है, मतलब पैरासिटामोल समझो कि उसको आईवी लाइन के साथ भी चला पैरासिटामोल। मैं उसको बोला यार आपका जो आपका बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है बिल्कुल, टेम्परेचर जरा भी डिक्रीज नहीं कर रहा, इतने सारे मेडिसिन मैं दे चुका हूँ आपको, सारी कीमोथेरेपी सब कुछ चल रहा है हल्को। वो कह रहा है बिल्कुल कि मुझे धर्मा सर को देखना है, बिल्कुल एकदम जैसे होता है मुंह कपकपाती हुई आवाज से मुझे धर्मा। मैं बोला कि वो तो यहाँ पे नहीं है, बोला मुझे एक बार दिखा दो खुदा आपका भला करेगा। अब होता है कि पेशेंट से ऐसा है ना, मैं बोला कि है ना, मैंने उनको मैसेज किया था सुबह में, उनको मैसेज किया था कि सर आप कहाँ पे, एक पेशेंट है वो ऑलमोस्ट मतलब एक्सपायर होने पे, लेकिन सर एक बार आपसे मिलना चाह रहा है। वो पेशेंट का नाम बताया, ऑब्वियसली उनको सब कुछ याद रहता था कौन सा पेशेंट है क्या हो रहा है उनको एक एक चीज। बोले मैंने देख ऐसा है कि मैं रात में पहुंच रहा हूँ वहां पे और मैं सीधे हॉस्पिटल आऊंगा। वो यूएसए की फ्लाइट से दिल्ली पहुंचते हैं डायरेक्टली, उसके बाद हॉस्पिटल आते हैं, वो पूरा अपना बैग लेकर हॉस्पिटल आते हैं। जो उसके पास मैं ही 90 ड्यूटी पे मैं ही था, तो सर ने पूछा कि बता चल पेशेंट के पास चलते हैं। मैं गया उनके पास में, वहां पे पहुंचते ही आकर के वो पेशेंट को कह रहे हैं कि अरे मेरे भाई क्या हालत बना लिया तुमने यार, यार तुमने चीटिंग किया यार, मेरे भाई तुमने चीटिंग किया यार, मैं 4 दिन के लिए क्या चला गया इंडिया सभा, तुमने चीटिंग किया यार, ऐसा नहीं होता। नहीं 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 सर हम ना ना मेरे भाई ऐसा नहीं है यार, गलत बात है, चीटिंग है यार, ये दवा की क्या औकात है मेरे भाई पे पूरा इफेक्ट ना करे है ना। बोले अरे नदीम कौन सा दवा दे, मैं बोला सर ये दवा दे, अरे ये चेंज करो यार ये लगाओ है ना। उसके बोले कि भाई सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, तुम्हारा बॉडी बिल्कुल एकदम फिट है, अब देखो तुम्हारे फेस पे क्या रौनक है, क्या है कितना शाइन कर रहा है ना, सब कुछ ठीक है भाई, कल सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद से वो चले गए, मैं बाहर जाके पूछा कि सर कौन सा एक्स्ट्रा दवा, बोले भाई कुछ नहीं जो दवा चल रहा चले ना, उसे नॉर्मल सैलिन ऐड कर दो। मैंने बोला सर ये क्यों, तो बोले कि वो मेरे छोटे उस्ताद सीख ले, ये सब है विल पावर है ना, जैसे गुडविल। मैंने कोई दवा नहीं दिया, मैंने पेशेंट का विल पावर बढ़ा गया और कुछ नहीं किया। मैं उनको बोला कि सर अच्छा ये कैसे हो सकता है जादू इसमें, बोले कि तू देख। उसके बाद चले गए वो, जो पेशेंट बेड पे लेटा हुआ था सुबह से बिल्कुल समझो कि अपना जैसे ना जैसे अपना हेड एलिवेटेड, वो मतलब जैसे उठ के बैठा हुआ, वो कह रहा अपने जो उनके अटेंडेंट थे कि भाई मुझे भूख लगी है, मुझे हॉस्पिटल वाली बिरयानी खानी है मुझे। मैं रात में 2 बजे देख रहा हूँ जाकर के, भाई वो हंस रहा है बातें कर रहा है। मैं बोला ये क्या था ये। मैं नेक्स्ट डे मैं सर से पूछा सर आपने क्या किया था वो जादू, बोले कि वो जादू नहीं बेटा बस समझ ले कि एक गुडविल है ना, कि एक पेशेंट से जो है ना वो कहते हैं कि सोल का कनेक्शन होना चाहिए। वो बोले कि देख नदीम एक टाइम पे तू बड़ा हो जाएगा, 10 साल के बाद तू बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाएगा ठीक है, लेकिन मैं तुमको उसी दिन समझूंगा बड़ा डॉक्टर जिस दिन तुमको देख करके किसी पेशेंट की जीने की इच्छा बढ़ जाए। तो ये सब था, ये मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझूंगा कि मैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ मैंने काम किया है ठीक है। मैं सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए मैं साउथ कोरिया भी जा रहा था, सब कुछ मेरा काम हो चुका था वहां पे, एम्बेसी एंड ऑल, पूरा फी स्टार्टिंग पेमेंट जो था ओके फाइन, बट सडनली कुछ हुआ होता ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड डेस्टिनी, फिर मुझे वहां का रोकना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, 2018 में आई वाज इन चेन्नई एट दैट टाइम, तो वहां पे मुझे मिले हमारे डॉक्टर खलील सर, हमारे ग्रेट खलील सर, तो वो वहां पे आते हैं पीजी क्लास लेने के लिए। तो विजिट एट एयरपोर्ट, हम काफी मतलब काफी 10 साल पहले से जानते हैं एक दूसरे को, वहां पे हम लोग मिले। तो फिर मैं उनको बताना शुरू किया सर हॉस्पिटल मैंने ऐसे किया वैसे किया, होता नहीं जैसे आप अच्छे है ना अच्छे से बता रहे हो। उन्होंने बोला कि जब वो देख रहे मुझे ऐसा, तो उन्होंने बोला कि व्हाई डोंट यू टीच। मैंने बोला क्या, मैंने बोला सर आई एम हैप्पी विद माय पेशेंट्स, आप स्टूडेंट्स को देखिए मैं पेशेंट्स में खुश हूं। नहीं 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 लाइक देखो मैं उनको सुना रहा हूँ पेशेंट्स के साथ मैंने कैसे अच्छा किया, वो मुझे ऑफर कर रहा व्हाई डोंट यू टीच, जो उनका जो ऑब्जर्वेशन वो मेरे कम्युनिकेशन स्किल पे था, जो उन्होंने मुझे कहा कि योर कम्युनिकेशन स्किल इज गुड यू शुड टीच। मैंने बोला सर देखो प्रोफेशनली आई हैव नेवर टॉट, तो वो टाइम पे मेरे लिए ऐसा था कि ओके फाइन। मैंने बोला ये कैसे, बोले ठीक है आई एम इनवाइटिंग यू फॉर टीचिंग, एक बार आओ आप जी। बोला यार एक काम करो आप टीचिंग में आना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि यू स्टार्ट विद अ स्मॉल सब्जेक्ट। मैंने एक महीना टाइम लिया, फिर मैंने जितने मतलब जितने भी इंडिया में जो बुक्स थे मैंने सब पढ़े, मैंने अपना पूरा जो मटेरियल तैयार किया मुझे एक महीना लगा।
फिर उन्होंने मुझे बोला कि चलो, फिर मैं आया हैदराबाद 2018 में फर्स्ट टाइम टीच करने के लिए। तो यहाँ पे फाउंडेशन बैच था, 110 का बैच था, उन्होंने मुझसे पूछा, वो अब क्लास से पहले उन्होंने मुझे बोल दिया कि देखो, अगर लाइक इफ यू आर नॉट अ गुड फैकल्टी, इफ यू आर बैड इट मींस अराइज इज बैड, इफ यू आर गुड अराइज इज बैड। मैंने बोला ये क्या आखिरी में प्रेशर डाल दे मेरे पे आप। मैंने बोला, तो उसके बाद उन्होंने बोला मुझे 90% गुड चाहिए फीडबैक बच्चों का। जब मैंने उसके बाद से मैंने क्लास हाफ डे का मुझे क्लास मिला था, डेमो क्लास, हाफ डे मैंने क्लास लिया, मुझे 99% मिला एक्सीलेंट, एक बच्चे ने सिर्फ लिखा था गुड। तो ये था मेरा पैनल। उसके बाद से बच्चों ने मुझे एक्सेप्ट किया। फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना, क्योंकि वो साइकेट्री सब्जेक्ट था, है ना, तो वो क्लिनिकल था, तो बच्चों ने फिर क्लिनिकल क्वेश्चन भी पूछने शुरू किए। उसके बाद से फिर धीरे 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 आते आते मेरा ये जो था बच्चों में एक एक्सेप्टेंस, वो काफी बढ़ गया, है ना। जैसे एक मोटिवेशनल स्पीच हो या साइकेट्री वो लेक्चर हो या डिफरेंट लेक्चर हो, जो भी लेक्चर हो, आई ऑल्सो टेक द क्लिनिकल केस डिस्कशन एंड ऑल। तो मैं 2018 के बाद, तो अभी तो आप ये समझो कि मैं 90% इनटू एकेडमिक्स और 10% मैं अभी ये कि प्राइवेट कंसल्टेशंस में लेता। सर जैसे कि मैं आपका क्लास अटेंड किया हूँ, तो वहां पे आपका क्लास लगता नहीं कि हम क्लास कर रहे हैं, हमें लगता है कि पूरा एंजॉय में चल रहा है, और कैसे कैसे सीख जाते हैं बाद में पता चलता है कि इतना सब कुछ कवर हो चुका है ऑलरेडी। तो थैंक यू फॉर दैट सर, और बहुत इंस्पायरिंग भी था आपका जो ये बताए आप। तो अभी मैं ये पूछना चाहूंगा आपको कि हम प्रेशर के साथ कैसे डील करें। बहुत सारे स्टूडेंट अभी ऐसे हैं जो कि प्रेशर में है, मेरे फेलो स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे दोस्त हैं, वो लोग मुझे पूछते हैं कि इतना प्रेशर कैसे झेलें, क्या क्या बहुत सारा ऐसा प्रेशर होता है सर, तो कैसे डील करें उसके साथ। ओके, देखो साइकेट्री में हम लोग फोबिया पढ़ते हैं ना, फोबिया को कैसे ट्रीट करते हैं, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, है ना। मींस लाइक सपोज, अगर मान लो कि समवन इज स्केयर्ड ऑफ डॉग्स, ठीक है, जैसे वो कहते हैं डर के आगे जीत है, फेस द फियर, है ना, ये एक्चुअली देखने प्रोटोकॉल है, ये माउंटेन ड्यू का जो एड है एक्चुअली प्रोटोकॉल है। अगर किसी को किसी चीज से डर लगता है ना, यू एक्सपोज हिम टू एंग्जाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलाई एंड आफ्टर दैट यू मेक हिम हैबिटेटेड ऑफ इट। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जब हम लोग पूरा जब मेडिकल स्कूल में होते हैं ना, जब मेडिकल कॉलेज में हम लोग हैं, हमारे पास इतने सारे एग्जाम्स होते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, सेशनल वाइवा क्या क्या है वहां पे, ठीक है, तो एंग्जाइटी और जो फ्रस्ट्रेशन है वो तो हमारे लाइफ का नॉर्मल हिस्सा होना चाहिए। आपको इसके साथ में जीना सीख लेना चाहिए सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि देखो, जो सबसे ज्यादा जो सुसाइड कॉमन है वो अमंग मेडिकोस, ठीक है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर, है ना। कभी कभी आप सुनते हैं मेडिकल कॉलेज में या हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है, तो ऑब्वियसली प्रेशर बहुत ज्यादा है ना। और जो सबसे बड़ा जो प्रेशर होता है ना, वो फीलिंग ऑफ गिल्ट जो आता है वो किसी चीज में हारने के बाद, है ना, फेलियर, जो फीलिंग ऑफ फेलियर, या तो आप एग्जाम में फेल होंगे या फिर अगर आपने किसी पेशेंट को ऑपरेट किया, पेशेंट एक्सपायर कर गया, आपको सबसे ज्यादा डिप्रेशन जब होगा जब आपने ऑपरेट किया या जब आप किसी पेशेंट को बहुत अच्छे से इलाज कर रहे थे और आपके सामने में पेशेंट दम तोड़ जाता है, ये बहुत बड़ा फीलिंग ऑफ फेलियर होता है, ठीक है, इससे तो आपको डिप्रेशन आएगा कैसे भी, राइट। तो मैं सबको ये कहूंगा, देखिए एंग्जाइटी और डिप्रेशन आएगा, फॉर श्योर इट विल कम। अब वो मेडिकोस हो या नॉन मेडिकोस हो, प्रेशर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन तो सबके लिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे मेडिकोस की बात कर रहे हैं। तो मेडिकल कॉलेज में यस, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा है, डिप्रेशन जो काफी ज्यादा बिकॉज ऑफ प्रेशर, ठीक है। यस सर, मैं आपको सबसे पहले यही कहूंगा कि ये कैसे सीखना है कि एंग्जाइटी से कैसे हम लोग अपने आप को बचा सके। आप सब लोग मेडिटेशन तो करना चाहिए बिल्कुल भी, है ना। मेडिटेशन जो है मतलब कि बहुत बड़ा इलाज है एंग्जाइटी के लिए, एक तो ये है। दूसरा एक ये है कि जब आपके ऊपर जब भी ये हो, प्रेशर हो, है ना, वो कहते ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गया, वो तो MBBS का हर डॉक्टर के लिए भाई, इतनी मुश्किलें पड़ेंगी आपके पास में, फॉर श्योर इट विल कम, लेकिन इतने पड़ेंगे नहीं कि आपको ये सब चीजें सिंपल लगने लगेगा। लेकिन इससे बचना कैसे है, क्योंकि यंग एज में अब इसको, ये प्रेशर को झेलना कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक आपका सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा, आपको एंग्जाइटी होती रहेगी, मैं क्या करूंगा, अब क्या करूंगा, वो क्या करूंगा, अब क्या होगा, इसके आगे क्या होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, तो इसके लिए क्या करना, यस भाई हमें जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ओके फाइन। इवन अगर आप फाइनल ईयर में हैं, आप अगर परेशान होते रहोगे, एंग्जाइटी को जो आप फेस करते रहोगे ना, यस, मेक अ प्रॉपर स्केड्यूल एंड बाय द एंड ऑफ दिस फाइनल ईयर आई हैव टू फिनिश एट लीस्ट 14 सब्जेक्ट्स, मेक अ स्केड्यूल। डेढ़ साल के बाद क्या हो गया, एग्जाम में मैं फेल हो गया, तो भाई डेढ़ साल क्यों, लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको एंग्जाइटी देगी। देखो 19 सब्जेक्ट्स है, धीरे धीरे आपको बढ़ना है, T20 नहीं खेलना है यहाँ पे आपको टेस्ट मैच की तरह जाना है। एक बार में एक सब्जेक्ट अच्छे से करो आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी आपको बता रहे कि रैपिड रिवीजन कर लो, ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है ये कर लो, बस इतना ही करो, है ना, या सिर्फ जो रट्टा मार लो, और या सिर्फ वन लाइनर कर लो,
है ना, ये सारे गलत हैं, ये सारे रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। आपका टारगेट होना चाहिए कि सब्जेक्ट्स को समझो, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मैं एक इंटरव्यू ले रहा था, एक स्टूडेंट थी, शी स्कोर मोर देन 200 इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट। आई आस्क्ड हर व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी, शी टोल्ड मी शी वाज फ्रॉम ओश यूनिवर्सिटी, ओश ओके किर्गिस्तान में। सो शी टोल्ड मी कि सर आई यूज्ड टू फोकस ऑन द टॉपिक्स एंड द कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद से मुझे सर ऐसा लगता था कि अगर मुझे जो टॉपिक है मुझे वो आता है, अगर मैं पूरा सब कुछ समझ चुकी तो दुनिया का कोई भी एग्जाम या कैसा भी क्वेश्चन बनाए आई कैन डिकोड द लैंग्वेज। और मुझे लगा कि यही बेस्ट स्ट्रेटजी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न इज टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, अंडरस्टैंड द डिजीज। तो एक डिजीज को समझने के लिए आपको एनाटॉमी भी आना चाहिए, फिजियो भी आना चाहिए, आपको पैथो भी आना चाहिए। उसके बाद से अगर अगर आपकी जब अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है ना, तो जैसा भी क्वेश्चन आए इजिली यू कैन डिकोड द लैंग्वेज। यस सर। तो ये स्ट्रेटजी आपको शुरू से होना चाहिए। और ये चीज जब आपका बिल्कुल जैसे पूरा अंडरस्टैंडिंग आपकी हो गई, आप समझना शुरू कर दिए पूरा, आप है ना फर्स्ट टाइम में आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा फिर आपको लगता है अरे इतना लंबा है क्या करूं यार, छोड़ दो सब्जेक्ट को यार। नहीं, फिनिश तो करना ही पड़ेगा आपको। जैसे वो होता है ना कि एक बार आपको समंदर में फेंक दिया जाए तो क्या वापस भाग क्या होगे या फिर स्विम करके निकलोगे अच्छे से? आप लोग समंदर में फेंके जा चुके हो, आपको तैर के निकलना पड़ेगा। यस, आधा तो रह चुके हैं। अब आप मतलब वापस नहीं आ सकते हो, यू आर एट द नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, है ना। आपके पास टाइम है, सोर्सेस है, अच्छे से पढ़ाई करो, डॉक्टर बन के पास होकर के निकलो आगे। आपको सोचना है कि मेरा नेक्स्ट 15 डेज का टारगेट क्या है, कि मेरे लिए ये सब्जेक्ट है मैंने डिसाइड किया है और मैं इसको मैं 15 डेज में अकम्प्लिश करने जा रहा हूं। एक बार पढ़ूंगा, याद करूंगा, साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। शॉर्ट टर्म प्लान बनाओगे तो जल्दी अचीव होगा, एंग्जाइटी नहीं होगी आपको, ठीक है। तो ये आपको प्रेशर हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जैसे ना रोजाना आपको 15 आवर्स अगर सुबह से लेकर रात तक आप लाइब्रेरी बैठकर पढ़ाई कर रहे हो ना, तो रात में आप एक बार असेस करो जितना आपने प्लान किया आपने अकम्प्लिश किया कि नहीं किया। इसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। ऑन डेली बेसिस यू हैव टू डू दिस। तो जो वो कहते हैं ना स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, बस यही है यहाँ पे। स्लोली एक एक चीज करके अकम्प्लिश करते जाओ। एक सब्जेक्ट आपका जैसे खत्म हो गया ना, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। यस सर। सर अभी ये तो हो गया जो स्टूडेंट अभी एग्जाम देने वाले हैं, जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं और जो फेल हो चुके हैं, तो फेलियर से कैसे डील करना है? जो लोग जितने मजबूत होते हैं ना, या फिर जो वो कहते हैं कि भगवान ने जिसको जितना ज्यादा स्ट्रांग बनाया है ना, उसके लिए इम्तिहान भी उतना ही डिफिकल्ट होगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि यू बिलोंग टू द कम्युनिटी ऑफ ग्रेट पीपल ऑन द अर्थ। आप कोई आम इंसान नहीं हो। व्हाटएवर यू आर गोइंग टू राइट ऑन द पेपर दैट विल बी प्लेइंग विद लाइफ एंड डेथ। आप आम आदमी तो हो ही नहीं। तो अब आप ये सोचो कि जब आप आम आदमी नहीं हो तो आपका एग्जाम आम कैसा हो सकता है, ठीक है। फेल हो चुके हो कोई बात नहीं, पास्ट इज पास्ट एंड गॉन इज गॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट द फेलियर, एक्सेप्ट द डिफीट। आप हार चुके हो, इवन इफ यू हैव स्कोर्ड 149 इक्वल्स टू 0। तो जब आप ये सोचते हो भाई आपके पास सिर्फ 6 मंथ है, लेकिन 6 मंथ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो आप, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि सबसे पहले आप समझिए कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। जो इसको आपको ये समझना पड़ेगा, यू आर नो मोर अ कॉमन मैन। तो जब आप अपने आप को स्पेशल फील करोगे ना, आफ्टर दैट आप अपने आप को बहुत ज्यादा स्पेशल केयर करोगे। स्पेशल केयर के साथ में स्पेशल हार्डवर्क भी करोगे आप। जो भी डॉक्टर से पूछे, किसी से पूछ लो, कोई नहीं बोलेगा कि मैं तो आराम से 10-10 घंटा सोता था। कोई डॉक्टर नहीं इतना सोता है। 6 आवर्स बिल्कुल सोना पड़ेगा आपको। आप ये समझो कि दुनिया में जो भी बड़े लोग या जो भी फील्ड के हो, या जैसे अगर मान लो सचिन तेंदुलकर हो या फिर शाहरुख खान हो, है ना, जो भी अपने अपने फील्ड के दिग्गज लोग हैं, आप उनकी अगर लाइफ हिस्ट्री देखेंगे ना, तो उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना कि जैसे नॉर्मल आदमी 8 घंटा काम करता है, तो ये लोग 16 घंटा काम करने वाले लोग हैं, है नहीं? तो जितने भी डॉक्टर्स जो भी लोग फेल हो चुके हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू आर नो मोर कॉमन पीपल। You are special. For that, you have to work much more harder than the common people. जिनको 8 घंटे की नींद चाहिए, आप उससे belong नहीं करते हैं। 6 months एक बार और अच्छे से जान लगाओ, पक्का आप next time pass हो जाओगे। Okay sir. Sir, जैसे कि मैं तो खुद बहुत motivate हो चुका हूँ आपकी बात सुनके, और hope करता हूँ जो viewers हैं वो भी motivate हो चुके होंगे। Sir, मैं सोचता हूँ कि सारा हम cover कर चुके हैं जितना भी topics था। जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, और होप करता हूं उन लोगों को हेल्पफुल हुआ होगा। आप कुछ अगर एडवाइस देना चाहते हैं अंत में तो आप दे सकते हैं सर। मैं बस आपको यही एडवाइस दूंगा कि अपने आप को स्पेशल फील करना सीखो पहले, ठीक है। जब आप स्पेशल फील करते हो तो अपने आप को स्पेशल बनाते हो, ठीक है।
आप आम इंसान हो नहीं, तो जितना हो सके जान लगा दो, और जिस दिन आप आओगे लेट आओगे मार्केट में, लेकिन जिस दिन आओगे डॉक्टर बन के आओगे, लेट आओगे लेकिन राजा बन के आओगे आप, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई होप यू पीपल हैव अ गुड फ्यूचर, थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर इनविटेशन के बाद आप आने के लिए और इतने सारे लोगों को मोटिवेट करने के लिए, और होप करता हूं आपका भी, आप हमें ऐसे ही इंस्पायर करते रहें और मोटिवेट करते रहें, एंड थैंक्स फॉर कमिंग सर। दिस इज माय प्लेजर एंड ऑनर, थैंक यू सो मच।